नमक नीतास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेदू वड़ा। चलो तो शुरुआत करते हैं मेदू वड़ा बनाने के लिए। वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उड़द दाल, चने की दाल ली है, वो रात भर भिगो के रखना है। दाल को अच्छे से धो के मिक्सर में से बिना पानी डाले दरदरा पीसना है। ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो खाली एक चम्मच पानी डालना है और इसे दरदरा पीसना है। यहाँ पे अपनी पूरी दाल पीस के हो चुकी है। आप अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सब मिश्रण एक बाउल में निकाल के इसमें एक चम्मच नमक डालना है। नमक डाल के अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बैटर को गाढ़ा ही रखना है। यहाँ पे अपना मेदू वड़े का बैटर रेडी हो गया है। मेदू वड़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम करना है। वड़े बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है। पानी हम हाथ गीला करने के लिए ले रहे हैं। हाथ गीला करने से मेदू वड़ा हाथ में चिपकता नहीं है। और मैं आपको दो तीन तरह से कैसे बनाने हैं मेदू वड़े वो दिखा रही हूँ। पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। चाय की छन्नी को गीला करके वड़े का बैटर डालना है और बीच में एक होल लगाना है। जिसको वड़ा नहीं बनाना आता है, ये बहुत आसान तरीका है। इससे आप अच्छे से वड़े बना सकते हो। आप आसान तरीके से घर पे वड़े बना सकते हो। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, पत्ते के ऊपर आप केले का पत्ता या खाने का पत्ता, आप कोई भी पत्ता ले सकते हो। मैंने यहाँ पे खाने का पत्ता लिया है। मैं उसको गीला करके उस पर मेदू वड़े का बैटर डाल रही हूँ और अच्छे से उसको गोल करके बीच में होल लगाना है। और तीसरा तरीका, हाथ गीला करके थोड़ा सा बैटर लेके हाथ में ही करना है और अंगूठे से उसको होल करना है। ये तीनों तरीके से आपको जो ईजी लगे वो आप कर सकते हो। मेदू वड़ों को हाई फ्लेम पे ही करना है। बाद में इसको मीडियम पे करके अच्छे से ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट अपने मेदू वड़े यहाँ पे बनके रेडी हो गए हैं। मेदू वड़े आप नारियल की चटनी के साथ या सांभर के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसे बने हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।